अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे चैनल में। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी खैरियत से होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज का मेरा ये वजीफा है उन लोगों के लिए जिनका कोई दुश्मन है, जिनके बहुत सारे दुश्मन हैं, या फिर जिनके जिंदगी में ऐसे लोग हैं जो उनको हमेशा परेशान करते रहते हैं, उनको जलील करते रहते हैं और उनके काम जो है बनते हुए काम को बिगाड़ देते हैं। तो दोस्तों, अगर सच में आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसे कोई लोग हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी से हटाना चाहते हैं, तो आप मेरा ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी ऐसे लोगों से कैसे बदला लिया जाता है या कैसे उनको अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर किया जाता है। पर दोस्तों, ये बहुत खतरनाक वजीफा है, तो इसे करने से पहले एक बार ध्यान से अपने जहन पर जोर डालकर ये बात सोच लें कि आपके दुश्मन सच में आपको परेशान कर रहे हैं, तो ही आप इसका इस्तेमाल कीजिए। वरना अगर ऐसा नहीं है तो आपको ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो उन लोगों के लिए जिनकी जिंदगी में सच में कोई दुश्मन है, सच में कुछ लोग हैं जो उनको परेशान कर रहे हैं, इस वीडियो को जरूर देखें। तो सबसे पहले आप एक कागज ले लीजिए, उस कागज पर सबसे ऊपर लिखिए 786, और मैंने यहाँ पे लौंग रखी हुई है, तो आपको 4 लौंग का भी इस्तेमाल करना होगा। तो इसे आप एक साइड में यहाँ पे रख लीजिए। उसके बाद बीच में आपको एक नक्श बनाना है, इस तरह से आप एक नक्श बना लीजिए, उसके बीच में एक लाइन खींचकर इसको इस तरह से कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर लिखना है 26, यहाँ पर आपको लिखना है 23, यहाँ पर आपको लिखना है 13, और यहाँ पर आपको लिखना है 99, यानी कि 26, 23, 13, 99, 26, 23, 13, 99, ये आपको लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपको अपने एक जो भी आपका दुश्मन है उसका नाम यहाँ पर लिख देना है। तो ये दुश्मन का नाम इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर दोस्तों वो दुश्मन लड़की है तो आपको उसके ठीक साथ में ही यहाँ पर लिखना है बिनते, और अगर वो लड़का है तो आपको लिखना है बिन, और दोस्तों इसके ठीक नीचे आपको उनकी अम्मी का नाम लिखना है, उनकी वालिदा का नाम लिखना है दोस्तों, तो यहाँ पर आप उनकी माँ का नाम लिख दीजिए। अगर आपको उनकी माँ का नाम नहीं पता है तो आप सिर्फ हव्वा लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे। और दोस्तों, इस तरफ भी आपको यही सेम चीज करनी है, यानी कि अपने दुश्मन का नाम लिखना है, लड़की है तो बिनते लिखना है, लड़का है तो बिन लिखना है, और उनकी माँ का नाम लिख देना है। तो आप इस एक ही अमल से अपने 3-4 दोस्तों, 3-4 जो आपकी जिंदगी के जो ऐसे लोग हैं जो दोस्त के रूप में दुश्मन का काम कर रहे हैं, जो आपको परेशान कर रहे हैं, उन सबको अपनी जिंदगी से दूर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक वजीफा है। इससे क्या होता है कि आपके दुश्मन की जिंदगी में बहुत ज्यादा भूचाल आ जाएगा, वो भी परेशान होने लग जाएगा, उसको जगह जगह पर लोग जलील करने लग जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो सच में ही आपका दुश्मन है, आपको उसी का नाम लिखना है, और बिल्कुल भी इसे हल्का ना समझें, और ऐसे ही किसी का भी नाम लिखकर इसको ना करें। बिल्कुल सही तरीके से वजू करके पाक साफ मन से आप इस वजीफे को करें, ये आपके लिए जरूर काम करेगा। पहले तो आपने इस तरह से पूरा अमल तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो लौंग यहाँ पर हमने ली हुई है, इस लौंग को आपको बोलना है। तो आपको इस लौंग के ऊपर फूंकना होगा दोस्तों, और उसके बाद लौंग को एक एक कोने में ऐसे रखते जाना है। दुश्मन का नाम लेना है, उनकी माँ का नाम लेना है, और उसके बाद एक लौंग रख देनी है। इसी तरह से दूसरे वाले दुश्मन का नाम लेना है, उनकी माँ का नाम लेना है, फूंक कर यानी कि दम करके आपको उसे वहां रखना है, फिर तीसरे का और फिर चौथे का। इस तरह से आपको चारों दुश्मनों का नाम लिखकर उनके नाम की दम करके और फिर लौंग यहाँ पे रख देनी है। दोस्तों, इसके बाद आप इस कागज को ले लीजिए हाथ में और इसे आप ऐसे मोड़ दीजिए ताकि लौंग इसके बीच में ही रहे, और उसके बाद आप इसे इस तरह से कर दीजिए, आप इसे मोड़ दीजिए नक्श आपका, और इसे और एक बार मोड़ दीजिए बीच में से, और अब आप इसे लेकर जाइए। और दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी काम है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तो इसे आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपका अमल पूरा नहीं होगा। अब इस अमल को आपको लेकर जाना है और कब्रिस्तान में, जी हाँ कब्रिस्तान में आपको इसे लेकर जाना है, और मिट्टी को खोद कर वहां पर आपको इसे दफन कर देना है।
बिल्कुल ध्यान से आप जाइए। और एक और चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये, आपको उस समय वहां पर जाना है जबकि वहां पर कोई भी ना हो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप आखिर क्या काम कर रहे हैं, और आपको ये काम चुपके से कर देना है। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर ये अमल अपना काम दिखाएगा, आपके दुश्मन को जलील कर देगा, आपके दुश्मन के शरीर में दर्द होने लग जाएगा, उनको नुकसान पहुंचेगा। आप बिल्कुल सफाई के साथ इस काम को करें, जो आपके सच के दुश्मन हैं सिर्फ उन्हीं के लिए इस अमल को आप करें, और इस तरह से आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपके मसले हैं, वो सब हल हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपका कोई सवाल हो, आपके मन में कोई शक या शुबा हो, तो आप हमें कॉल कीजिए, हमारा नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर मिल जाएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। शब्बा खैर दोस्तों।